आह्वान के तहत हमारे सिर्फ जिला कलेक्ट्रेट के ऊपर पुतला दहन किया। छात्र संगठन SFI के नेतृत्व में हमारी मांग है कि जिस प्रकार से अशोक गहलोत सरकार है वो ढोल नंगाड़े बजा रही है कि हम रिटोत्सव मना रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक जो पेपर लीक करने वाले हैं गिरोह है वो पकड़े जा रहे हैं। और फिर भी SOG ने दावा किया है कि रेट का पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। हम मांग करते हैं कि जिन लोगों का राजनीतिक संरक्षण है, राजनीतिक संरक्षण के बिना ये पेपर लीक नहीं हो सकता इतने बड़े स्तर पर। जो जो राजनेता इसके पीछे जिनका हाथ है उनका पर्दाफाश किया जाए। रेट की जो जांच है वो CBI से होनी चाहिए। और जो बेरोजगार इतनी संख्या के अंदर 26 लाख जो आवेदन आए हैं इसके अंदर जो भर्ती के अंदर है, हमारी मांग है SFI की कि रेट के पद बढ़ाकर 32,000 से बढ़ाकर 50,000 किया जाए। और जिन जिन राजनेताओं का संरक्षण है गहलोत सरकार के इशारे के ऊपर, हम गहलोत सरकार से कहना चाहते हैं कि इसकी CBI जांच करवा करके तमाम राजनेताओं को जो नाती के भाड़े से जो एक बैठकर गिरोह चला रहे हैं उनको जेल में डालने का काम करे। और विधानसभा के अंदर कड़ा से कड़ा कानून लेकर आए ताकि किसी की हिम्मत नहीं हो कि हम पेपर नकल करवा सके, किसी भी संस्थान की हिम्मत नहीं हो उनकी मान्यताओं को रद्द किया जाए, उनके गैर जमानती कानून लाया जाए। हम यह मांग करते हैं अगर हमारी सरकार को नहीं माना गया तो आने वाले समय में 9 फरवरी से जो विधानसभा का सत्र चलेगा उसके अंदर SFI राजस्थान के नेतृत्व में हम विधानसभा कूच करेंगे और प्रदेश का जो युवा है वो सड़कों पर रहेगा। विजेंद्र डाका SFI जिलाध्यक्ष।